कैसे आपने सोचा ट्विंकल के बारे में? जी, ट्विंकल माई सन, एक ट्विंकल एक ऐसी लड़की है, 9-10 साल की बच्ची है। आपको पता है कि आज का जो दौर है, लोग प्यार करते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, लेकिन परिवार से सबसे बड़ा हिस्सा जो हटा दिया जाता है वो अपने बुजुर्ग माँ बाप, दादा दादी, उस बच्चे के नाना नानी और बुआ। ये जो परिवार से इनको हटाया जा रहा है, और उसके बाद क्या होता है कि बच्चा किसके साथ रहता है? दाई के साथ रहता है, नौकर के साथ रहता है, या किसी किड स्कूल में रहता है। उसके बाद उसके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है या जो प्रॉब्लम्स बच्चे को होती है, वो बच्चा बयां नहीं कर पाता है, डर सहमा रहता है। तो ऐसे ही ट्विंकल पता नहीं कितनी पूरी दुनिया में होंगी जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। मैंने उन्हीं घटनाओं को फोकस करने की कोशिश किया है कि अगर आपके घर में ट्विंकल आती है तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने परिवार में उनको वो प्यार दीजिए, वो बचपन जो दादा दादी का बचपन है, जो नाना नानी का बचपन है, जो बुआ का बचपन, जो रिश्ते थे, उन रिश्तों को आप कायम कीजिए, वरना ये अपराध ऐसे ही होते रहेंगे। बच्चा अपनों में सुरक्षित रहता है, गैरों में कभी हो नहीं सकता। ओके, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट चुना है आपने, इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रस्त है इससे। अगर मैं भारत की बात करूँ, स्टारकास्ट किस बिना पे आपने जीरो डाउन करी, और क्या जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो इम्पोर्टेंट है ना कि स्टारकास्ट? देखिए, अच्छी कहानियों के लिए अभी एक दौर आया है पिछले काफ़ी सालों से कि अच्छी कहानियों के लिए स्टार कास्ट की आज कोई वैल्यू नहीं रह गई है। हम अच्छी कहानी है, अच्छा कंटेंट है, और अच्छे तरीके से अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो ऑडियंस हमारे लिए है। और दूसरी बात, बच्चों के लिए फिल्में कम बनती हैं, तो अगर उस पर हमने प्रयास किया है तो निश्चित एक अच्छा प्रयास है, और मुझे नहीं लगता है कि आज स्टार कास्ट बहुत बड़ी वैल्यू रह गई है। ओके, यूनिसेफ जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, वो किस तरह से आपके साथ इस फिल्म का हिस्सा है, वो जानना चाहूंगा। जी, यूनिसेफ एज ए बेसिकली जो सेक्सुअल अबेसमेंट होते हैं, जो हरासमेंट होते हैं, उसी कंटेंट को लेकर यूनिसेफ भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, यूनिसेफ बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हम भी उनके एक हिस्से हैं। मैं काफ़ी टाइम से बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने चिल्ड्रंस को लेकर इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है मैंने वर्कशॉप लगाए हुए हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही चिल्ड्रंस है, मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ, तो वो मेरा एक जुड़ाव रहा है उनके साथ में। इस तरीके से यूनिसेफ हमारे जुड़ी हुई है और वो मेरा वर्क है, ये कह सकते हैं कि बच्चा, मैं खुद बच्चा हूँ। ओके, आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, फिल्म को आप कब रिलीज करना चाहेंगे, और क्या आपने सोचा नहीं कि फिल्म को कमर्शियली रिलीज करने से पहले फेस्टिवल में भेजना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि फेस्टिवल में फिल्में वो लोग भेजते हैं जिनको ये लगता है कि मेरी फिल्म को पब्लिक, ऑडियंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको गारंटी नहीं होती है। मुझे पता है कि मेरी फिल्म आम पब्लिक के लिए बनाई जा रही है, और एक सही टॉपिक को लेके एक कमर्शियल सिनेमा है, इसको हम पूर्णतः बच्चों के साथ, सेंट्रल करेक्टर जैसे बच्चा, जैसे फिल्म मासूम बनी थी, सेंट्रल करेक्टर है, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो बनी रही हैं, और कोई नया हम परिचय बनी थी रिसीदा गुलजारदा, जो रिसीदा गुलजारदा का जो पैटर्न है उसी पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मैं गुलजार जी का वो एकलव्य हूँ, जो कभी मिला तो नहीं, लेकिन मैं उन्हीं का एकलव्य हूँ, मैं अपने आप को उनका एकलव्य मानता हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आमिर खान साहब की अगर मैं बात करूँ, बहुत सेंसिटिव, जब हम तारे समय पे की बात करते हैं, एक खास बीमारी की बात करते हैं जो बच्चा से ग्रस्त था, उसके बाद एक क्रांति सी आई, और हम आमिर खान साहब इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करते हुए नजर आए, क्या आप चाहेंगे कि आमिर खान साहब के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाए फिल्म की, वो आए फिल्म को देखें, शायद सराहना करें, क्योंकि मैसेज बहुत सेंसिटिव? जी, मैं आपको बता दूँ, ये मार्च में हमारे यहाँ बच्चों के एग्जामिनेशन खत्म होते हैं, अप्रैल में ये जो पीरियड होता है, मेरा टाइम रहता है, इस फिल्म को उसमें रिलीज़ करूँगा। 100% आमिर खान का साहब, मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं, बाय रिक्वेस्ट उनके घर जाके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर इसका एक बार आप इस फिल्म को देखिए। एक हमने एक सेंसिटिव इशू को उठाया है, और कमर्शियल तरीके से, एक मनोरंजक तरीके से हमने एक चीज़ को रखा आपके सामने। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, क्योंकि सर इंडस्ट्री के वो लोग न्यू हैं, और हमें उनके आशीर्वाद के बगैर हम जो हैं अपनी दुनिया नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारी नई पौध हम लोग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ट्विंकल माई सन में मैं ट्विंकल की टीचर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि बहुत ही स्वीट टीचर है और ट्विंकल को बहुत प्यार करती है। तो बीच में एक बार ट्विंकल का किडनैप हो जाती है, ट्विंकल किडनैप हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि पूरा ब्लेम उसकी टीचर पर आ जाता है, लेकिन बाद में फाइनली जब ट्विंकल सामने आती है तो वो सबसे बताती है कि नहीं, ये मेरी टीचर है और इनका कोई ऐसा कुछ लेना देना नहीं है मेरे किडनैपिंग में। बस ऐसे ही एक स्वीट टीचर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। आमिर खान साहब का नाम फौरन ज़हन में आता है, कुछ रेफरेंस लिए हैं आपने, क्योंकि आप फीचर प्ले कर रही हैं कि
मैनरिज्म ऐसा होना चाहिए, पेश आना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई रेफरेंस कहीं से लिया नहीं गया, और बस जैसा कि सब्जेक्ट का डिमांड है जो कि बस वही उसी तरह से प्ले किया जाएगा, बाकी कोई कहीं से रेफरेंस नहीं लिया गया। बस ये एक तरह की एक बस ये ना बच्चों को लेके एक फिल्म है और सब्जेक्ट अच्छा है इसका, बाकी कहीं से कोई रेफरेंस नहीं लिया गया। ओके, डायरेक्टर ने कुछ ब्रीफ दिया था आपको आपके किरदार के बारे में कि आपका किरदार, जैसे आपने बताया स्वीट सी टीचर है, कि आप ऐसे बिहेव करेंगे, आप ऐसे बात करेंगे, या आपकी खुद की एक लाइफ में स्कूल गए होंगे, वो कुछ इंटरेक्शन याद रहा हो कि हाँ टीचर ऐसे बिहेव करते हैं या ऐसे बोलते हैं? बोलने का तो नहीं, बस ये है कि उसको इतना इमोशनली अटैचमेंट होता है उससे कि शायद उसके मम्मी पापा से भी उसको इतना अटैचमेंट नहीं होगा जितना कि टीचर से है। बस इतना ही कि बहुत ही इमोशंस हैं एक दूसरे को लेके, और इतना प्यार करती है वो कि बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। ओके, जिस तरह का मुद्दा उठाया गया, सेंसिटिव मुद्दा है, बच्चों की बात करूँ, खासकर के फीमेल चाइल्ड की बात करूँ, फीमेल गर्ल की बात, गर्ल चाइल्ड की बात करूँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बहुत बात है, मैं जिक्र करा गया, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिसपे आए दिन बहस का मुद्दा है, क्या कहना चाहिए, कितना सही लोगों तक पैगाम पहुँचेगा कि वो खास करके अपनी बच्चियों को लेकर ज़्यादा सचेत रहे, ज़्यादा सावधान रहे? मैं अभी आपके सवाल का मतलब नहीं समझ पाई, आई एम सॉरी। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है बच्चियों के साथ, फिल्म कहीं ना कहीं पैगाम भी दे रही है कि आप अपनी बच्चियों को लेके सावधान रहें, या उनको वो ज़्यादा नाना नानी वाला प्यार जैसे बताया, आप ये कहना चाहिए कि पैगाम कितनी हेल्प करेगा तुम्हें? पैगाम तो मेरे ख्याल से हेल्प करना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का कोई ना कोई मुद्दा तो होता ही है, और इसमें भी शायद पेरेंट्स को कुछ हेल्प मिलेगी कि बच्चों से कैसा ट्रीटमेंट, या बच्चे जाते हैं उनको समझना, या बच्चों किसी न किसी के साथ ऐसा अटैचमेंट होना कि ताकि वो सब शेयर कर सके, जैसा कि आजकल स्कूल्स वगैरह में होता है छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो मेरे ख्याल से बच्चों हेल्प तो करेंगे, कुछ तो हेल्प करेंगे। हमारे पार्टनर हैं सिनेमा अकेडमी के किरण सावंत, मैंने उनको भी इस बात कही कि यार इस तरह का इशू हम छेड़ रहे हैं, थोड़ा हर आदमी डरता है या इसी इशू को छेड़ने से कुछ प्रॉब्लम। बड़ों के लिए तो सिनेमा हमेशा बनता है, फ्राइडे को
जुड़ाव होता गया। और इसी बीच में हमारे पास एक और भी आर्टिस्ट थे, हमने उनसे भी अपनी बात रखी, तो उनको भी इश्यूज अच्छा लगा। मैंने कहा कि उसमें एक ऐसा टीचर का रोल है जो आप टीचर्स का और चिल्ड्रंस का क्या रिलेशंस है वो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि अगर शिक्षक नहीं है कितनी भी मलाई बना ले, कितनी खिचड़ी बना ले, लेकिन बिना स्क्रीन ड्राइवर ला के खिचड़ी पूरी नहीं हो सकती। तो शशि कुमार पांडे जी, आपका स्वागत है, क्या पाइए। और इसके बाद सर एक छोटी सी फिल्म है, फिल्म क्या एक प्रेजेंटेशन है जो आपके पास रखी है मैंने, वो हम आपको चलाएंगे और एक गाना भी दिखाएंगे जो इस फिल्म का एक हिस्सा है। नमस्कार, मैं चाहूँगा कि मुस्ताक जी कुछ बोले दो शब्द, क्योंकि मैंने बहुत बोल लिया है। सर का आशीर्वाद से प्यार। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय ऑल मीडिया पर्सन, माय फ्रेंड्स। आप लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी आपको अच्छी तरह जानता हूँ, ज़्यादा बोलने का है नहीं। साहिल साहब ने इतना कुछ बता दिया है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं साहिल साहब के साथ हूँ, क्योंकि इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, जो सब्जेक्ट उठाया है, तो ये मेरे पास इनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से ये काम करते हैं। और इनकी अकेडमी भी है वाशी में जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, अपने किरण जो किरण, ये दोनों मिलकर के पढ़ना जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जिस तरह के सब्जेक्ट इन्होंने उठाया है, मतलब और इसी तरह के सब्जेक्ट उठाते हैं, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो कि वाकई हमें और हमारे देश को, हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को जिसकी ज़रूरत है, जो सिर्फ एक मनोरंजन के जरिए कि हमें क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, और पेरेंट्स को क्या उनका दायित्व है, उनकी क्या ड्यूटीज है, और बच्चे कैसे बड़े होना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, जिस तरह से ये शुरुआत की है इन्होंने गानों के जरिए, फिल्मों के जरिए, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बनाई है, जिस तरह से इन्होंने कल मुझे सारी चीज़ें मुझे बताई, तो मैं बहुत ही आई वॉज मूव टोटली। सो आई एम विद हिम एंड किरण के साथ मैं हूँ, और आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जिस तरह से आप काम करते हैं अपना, आप हमेशा अच्छा काम करते हैं, तो और आजकल जो है ये ज़माना ही ऐसा प्रमोशन का है, जब तक कोई चीज़ प्रमोट ना हो जाए तब तक लोगों तक नहीं पहुँचे तो पता ना चले कि क्या है। तो आज जितनी ज़रूरत शूटिंग जिस तरह हम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमको किसी भी चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है, उसे बताने की ज़रूरत है, लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ बनी है, तो लोग थिएटर तक आएँ देखें, ताकि ये जो मेहनत कर रहे हैं जो आर्टिस्ट टेक्नीशियन जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाए और उसका जो मकसद पूरा हो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।
सीरियल के लिए. कुछ ऐसे हालात आए कि मैं कलकत्ता में रह रही हूँ, तो हम मुंबई नहीं आ पाए. लेटर वानी इस मूवी का जो स्क्रिप्ट है वो सुनाने के बाद आई वाज लाइक नहीं, मुझे करना ही है. सो ऐसी बातें शुरू हुई. फिर ट्रायल बेसिस पे मूवी बन रही है, सो व्हाई नॉट, क्योंकि नेपाल में इतना मूवी तो कर चुकी हूँ, इंडिया में नया एक्सपीरियंस होगा. एक्चुअली आई एम प्लेइंग ट्विंकल्स मदर कैरेक्टर. इसमें क्या है कि जैसे कि वर्ल्ड पे जहाँ पे भी, संसार पे जहाँ पे भी हो, बच्चे कितने प्यारे होते हैं, खूबसूरत होते हैं. और इसमें क्या है कि एक रिलेशनशिप जो माँ बच्चे फैमिली का, वो रिलेशनशिप ना होने से, उसमें से प्यार ना पाने की वजह से बच्चे के ऊपर क्या बीतती है. सो ये चाइल्ड बेसिस मूवी है. सो मैं यहाँ पे वो माँ का किरदार निभा रही हूँ, जो यंग मदर. ओके, क्या मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव शेड पे होगा? नहीं नहीं, नेगेटिव शेड पे नहीं है. अच्छा, मतलब ये तो सब कुछ मैं अभी बता दूंगी, तो फिर बाद में आप लोगों को देखने के लिए क्या बचेगा. नेगेटिव नहीं है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि बच्चे के इमोशंस पे ही बनी है मूवी. ओके, हैव यू टेकन सम रेफरेंसेस, यू नो, डू यू प्लेइंग अ मदर, अ यंग मदर टू अ चाइल्ड? देखते हैं, पहले काम करने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा. नहीं, आपने कहीं से किसी कोई रेफरेंस लिया है किसी, जैसे मैं तारे जमीन पे करके बात करूं, जिसका चोपड़ा उसमें मदर का रोल निभाती नजर आई है, क्या आपने कोई किसी आर्टिस्ट का रेफरेंस लिया या आपके खुद के? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने ऐड तो किया है इसमें, मेरा चार लाइफ स्टेज का मैंने प्ले किया है. सो मेरे लिए भी कुछ, जनरली मूवी तो हमेशा कमर्शियल मूवी तो बनती ही है, तो ये एक मैसेज देने वाली मूवी है. इसमें एक मदर का कैरेक्टर अलग कैरेक्टर होगा मेरे लिए. सो आई डोंट नो, ये कितना अच्छा होगा, यू नो, इंडियन ऑडियंस के लिए, खास करके उनके लिए. जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं, खास करके बच्चियों के साथ होता है. इंडियन ऑडियंस के लिए ही नहीं, ये जितने भी वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं, इवन नेपाल में भी, वर्ल्ड के हर कोना में हैरेसमेंट सब कुछ होता ही है. सो ये हम लोग ना संसार से, अपने समाज से दूर जाके मूवी नहीं बना रहे हैं, जो समाज के घटना है उसको समेट के बना रहे हैं. तो इसको एक एजुकेशन के हिसाब से भी ये मूवी अच्छा बनेगा. थैंक यू सो मच. मेरे अपने जो विचार हैं, ट्विंकल माय सन सपोज टू बी अ गुड फिल्म, यू नो, इन द सेंस के मैंने पूरी कहानी सुनी है इसकी, कि साहिल श्रीवास्तव जो हैं इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो एक क्रिएटिव आदमी है और कुछ अच्छी उद्देश्यपूर्ण फिल्म बनाना चाहते हैं. एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो कि मतलब एक सबक हो, जिससे एक मैसेज जाए, तो वो उस तरह के हैं ये. अच्छा, सबसे अच्छी बात इनमें क्या है, वो ये है कि ये जो मनी माइंडेड, मतलब फिल्म बनानी है तो मतलब होने की पैसा कमाने के लिए या कुछ करने के लिए. हाँ, डेफिनेटली नाम तो हर कोई चाहता है, और चाहता है कि कोई अच्छी चीज़ बना करके नाम करे, उस तरह का ये इनका एटीट्यूड है. इनका मैंने अभी एक सीरियल भी किया हुआ है, जो कि पायलट हमने बनाया हुआ है, चलाया गया है. तो बड़े ही सॉफ्ट आदमी हैं, बड़े ही ईमानदार आदमी हैं. एकेडमी भी है इनकी, जो इनके पार्टनर हैं, जो किरण सावंत, ये लोग वाशी में इनकी एकेडमी, वहाँ भी मैं गया हूँ, देखा हूँ मैंने, तो बहुत ही तरीके से काम करने वाले लोग हैं. जहाँ तक सब्जेक्ट का सवाल है, सब्जेक्ट का तो आपको इन्होंने अभी अंदर बताया है कि किस तरह का सब्जेक्ट है, कि बच्चों का जो हैरेसमेंट है और बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, और उसकी वजह से जो अवेयरनेस हमारे में नहीं है बच्चों के लिए, जो गैर जिम्मेदारी पेरेंट्स की है ना, वो बताना चाहते हैं. और बात सही भी है, आजकल जो लाइफ हो गई है, सिर्फ बॉम्बे शहर मेट्रो सिटीज़ में नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ छोटे शहर में भी ये देखा मैंने, कि अभी इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि वाकई बच्चों से माँ बाप जो हैं वो दूर होते चले जा रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हैं कहीं और किसी और के सहारे पढ़ रहे हैं. मतलब इतना हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि अब किंडर गार्डन्स हैं या बेबी सिटिंग्स हैं या इस तरह का है, वो तो है, वो तो हो गया ज़्यादा. मैं फिर भी कहूँगा कि कम लोअर कास्ट में ऐसा नहीं है, बट हाई कास्ट में तो डेफिनेटली, अब मतलब मिडिल क्लास में भी हो गया है, मिडिल क्लास के लोग उसमें भी ज़्यादातर हो गया है.
तो सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर ये अच्छी फिल्म बन जाए, सपोर्ट मिल जाए और खास करके मीडिया का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि जब फिल्म बन जाती है, कोई भी चीज़ बन जाती है, तो उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार तो इनमें है ही नहीं, अब इसमें बड़े बड़े स्टार्स तो हैं ही नहीं। तो अभी ये जो फिल्म बनाएंगे तो बच्चों को लेके ही बनाएंगे, और अब हम हैं करेक्टर आर्टिस्ट हैं, हम कोई बहुत बड़े स्टार तो नहीं है, या ऐसे ही मेरे जैसे हमारे सहयोगी कोई दोस्त लोग हैं कलाकार जो आ जाएंगे जो इस फिल्म में काम करेंगे, लेकिन फिर भी उतने बड़े स्टार्स तो नहीं होंगे मेरा ख्याल इस फिल्म में। तो इसको चलाने के लिए, इसको थिएटर तक ले जाने के लिए मीडिया की हेल्प की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया से कि अगर ये फिल्म बन जाती है, और कोशिश यही होगी कि ये लोग अच्छी फिल्म बनाएं, क्योंकि हम जब फिल्में देखते हैं और तो हम डायरेक्टर से भी थोड़ा सा हमारा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि आज मेरे को 35 इयर्स हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, तो 200 से ऊपर मैंने फिल्में की हैं, तो एक थोड़ा बहुत जो तजुर्बा एक्सपीरियंस है वो हम डेफिनेटली इनके साथ शेयर करेंगे, और वो मानते भी ऐसी बात नहीं है, हमारी बात मानते भी हैं, तो वो हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी मीडिया के लोग करें, और बस पब्लिक से और ऑडियंस से दर्शक से मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उससे एक मैसेज लें, इससे सबक लें। आप इंडस्ट्री का इतना लंबे वक्त से अरसा है, यू नो आमिर खान को, संजय दत्त को, हर शख्सी के साथ आपने काम किया, अपनी मौजूदगी दर्द कराई, आज उस फिल्म मेकिंग के दौर को जब जिस वक्त बहुत चुनिंदा लोग फिल्म मेकिंग का नाम करते थे, आज कॉर्पोरेट के आने से कितनी मोनोपोली हो गई कि भाई सिंगल मल्टीप्लेक्स में ये फिल्में चलेंगी, और चुनिंदा लोगों को पता नहीं फिल्म देखी क्या होती है, अब जब कॉर्पोरेट घुस गया है, पूरा का पूरा कॉर्पोरेट हो चुका है, बिजनेस बन गया है, देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने ये, उस टाइम की फिल्म और आज का दौर, मैं इतना जरूर कहूँगा कि आत्मा निकल गई है। आज जो कॉरपोरेट आ गया है या जिस तरह की फिल्में बन रही हैं और जिस हिसाब से फिल्में बन रही हैं, तो उसमें रूह नहीं रह गई है। पहले सोल हुआ करता था एक फिल्म को बनाने में, और वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और पूरी टीम जो है ना, वो एक दिल से फिल्म बनाते थे और ये कहते यार अच्छी फिल्म बनानी है हमको, जो सिर्फ चले नहीं बल्कि लोगों के दिलों में पहुंच जाए, और उतने मनी माइंडेड नहीं होते थे उस वक्त के लोग, जितना मिल गया उसमें खुश रहते थे और एक परिवार की तरह रहते थे। तो परिवार भी टूटा है फ्रेंकली स्पीकिंग, ये आज की कॉरपोरेट की लाइफ में जो जिस तरह की फिल्में बन रही हैं और जो ये मल्टीप्लेक्स ने जो अलग कर दिया है हमारे सिनेमा को, क्योंकि अब क्या हो गया कि अब दर्शक भी बढ़ गया है, कि मल्टीप्लेक्स का अलग ऑडियंस हो गई है और सिंगल स्क्रीन की अलग ऑडियंस हो गई है, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया सिनेमा को, खास करके भारतीय सिनेमा को, क्योंकि भारतीय सिनेमा ऐसा नहीं था, चलो ठीक है वहाँ क्लासेस हुआ करती थी, सिंगल स्क्रीन क्लास होती थी, थर्ड क्लास है, जो सेकेंड क्लास है, फिर फर्स्ट क्लास है, और फिर ऊपर बालकनी है एक्स्ट्रा, तो वो चलो ठीक है मानते थे, जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से पिक्चर सिनेमा, लेकिन एक ही थिएटर में देखते थे, एक ही थिएटर में देखते थे और पिक्चर देखते थे, सिनेमा देखते थे उस वक्त, ये नहीं, और इंटरवल जब होता था तब जिसको जितनी ज़रूरत होगी, किसी ने चाय पी लिया, किसी ने भजिया खा लिया, किसी ने कुछ किया, लेकिन आज की जो मल्टीप्लेक्स में क्या हो रहा है, मल्टीप्लेक्स में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि वो समोसा जो वहाँ पर 1 रुपये 2 रुपये का मिल रहा था, वो 50 रुपये का समोसा मिल रहा है, और मैंने यहाँ तक देखा है कि उन्होंने इतना आरामदायक उसको बना दिया है, उसने सोफे ऐसे डाल दिए कि लोग लेट करके फिल्में देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कॉफ़ी और चाय पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, व्हाट इज़ दिस। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये, तो ये तो सिनेमा की एक तरह से आप इंसल्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा बहुत बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मेरा अपना खुद का बेटा जो है वो खुद शॉर्ट फिल्म बनाता है, उसका नाम मोहसिन खान है, उसे को 7-8 शॉर्ट फिल्म ऑलरेडी बना चुका है उसे, और वो ऐसी कैमरा लेके हैंडी कैमरा लेके चला जाता है और वो शूट करके ले आता है, 7-8 मिनट की फिल्में उसने बनाई हुई है और काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं उसने तो, और ये जो ट्रेन चला है मतलब फिल्में बनाने का, बच्चों का खास करके, आजकल के बच्चे बहुत आगे हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, अब वो आप किस जो भी कह लें आप, जो आजकल के जो दौर चल रहा है ना सॉफ्टवेयर का, उसकी वजह से या वो वाकई बहुत इंटेलिजेंट है, तो आजकल के जो भी बच्चे ये शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं, आज के माहौल को लेकर के बना रहे हैं या जिस सब्जेक्ट में भी बना रहे हैं, मेरी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो ऐसे ही काम करते रहें, खूब अच्छा काम करें और उनकी फिल्में लोग देखें, वो यूट्यूब में देखें या मोबाइल में देखें या गूगल के ज़रिए देखें, लेकिन ज़रूर देखें। सर, जब
आखिरी वो दीजिए चिन्ह फिल्म जो फेस्टिवल है उसका नाम है चिन्ह चुनाव चिन्ह मैन उस्ताद खान चिन्ह फिल्म फेस्टिवल के सभी बच्चों को हार्दिक फिल्म फेस्टिवल को शुभकामनाएं देती है चिन्ह चुनाव चिन्ह इतना निशान चुनाव चिन्ह फेस्टिवल का नाम है चिन्ह फिल्म फेस्टिवल मैं मुश्ताक खान चिन्ह फिल्म फेस्टिवल के तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ ऑल द बेस्ट शुक्रिया।